साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग के केसेस आए दिन सामने आते रहते हैं और कई लोग पोस्ट की सच्चाई जाने बिना उस पर यकीन कर लेते हैं। कभी लाइक और कमेंट कर देते हैं तो कभी उसे फॉरवर्ड कर देते हैं और जाने अनजाने साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम के एक पात्र बन जाते हैं। अभी के वक्त में किसी पोस्ट की सच्चाई जाने बिना उसे फॉरवर्ड करना एक दंडनीय अपराध है। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का क्या कहना है, सुनते हैं। जब से महाराष्ट्र में लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से साइबर क्राइम की गुनाहों की संख्या बढ़ गई है। आपको सभी को बताएं कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या टिकटॉक के वीडियोस है, इस सब के जरिए से भड़काऊ पोस्ट डालना, महिलाओं के बारे में गलत पोस्ट डालना, वीडियो डालना, अफवाह फैलाना, समाज में सामाजिक दरार खड़ी करना, ये सब गलत चीजें हैं। बीच में टिकटॉक के जरिए से बलात्कार और एसिड अटैक को प्रोत्साहन देने के बारे में भी वीडियोस वायरल हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के वीडियोस या पोस्ट डालना सरासर गलत है। इसके ऊपर पूरा ख्याल महाराष्ट्र साइबर क्राइम का है। हम किसी को बख्शेंगे नहीं और जो भी इस प्रकार के वीडियोज या पोस्ट डालेगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई महाराष्ट्र का साइबर क्राइम विभाग करेगा। आज हमारे इस कार्यक्रम का मकसद ही यही जानना है कि साइबर बुलिंग क्या है और अगर कोई व्यक्ति ऐसे पोस्ट को फॉरवर्ड करता है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट रौनक। रौनक जी, सबसे पहले न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रौनक जी, साइबर क्राइम की बढ़ती संख्या से तो आप वाकिफ ही हैं, तो हमें बताएं कि साइबर लॉ कब से इफेक्टिव हुआ है और मोटे तौर पर ये लॉ क्या करता है। 17 अक्टूबर 2000 साल में इंडिया में साइबर लॉ, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये इनैक्ट हुआ था। इस एक्ट को इनैक्ट करने के पीछे तीन रीजंस थे। सबसे प्रमुख रीजन उसमें था कि उस टाइम पे ई कॉमर्स के फैसिलिटेशन के लिए किसी भी कानून में कोई भी प्रावधान नहीं थी, तो इस कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का पहला पार्ट जो है विच इज बेस्ड ऑन फैसिलिटेशन सेटअप टू बी प्रोवाइडेड फॉर ई कॉमर्स। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज था वो था फॉर ई गवर्नेंस, रेगुलेशन रिगार्डिंग ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब चाहती थी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो, जो भी ई कॉमर्स हो या चाहे कोई अपलोडिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आपको जो भी एप्लीकेशंस या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, वो चाहते थे कि वो सब इंटरनेट के जरिए किए जाए। इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे ई गवर्नेंस सेटअप करने के लिए इस कानून में प्रावधान बनाए। उसी के साथ में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था और उसी प्रकार उस टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से बहुत सारे क्राइम्स होने लगे, जिसको हम आम भाषा में साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम रेगुलेट करने के लिए कोई उस टाइम पे लॉ अवेलेबल नहीं था, इसलिए इस कानून में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, साइबर लॉ के अगेंस्ट भी पनिशमेंट और उसके रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे। उसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो एविडेंस कोर्ट और आदि जगहों पे यूज हो रहा था, उसके लिए कोई भी अन्य लॉ नहीं था जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सराहना दे सके या उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो उस वजह से इसमें प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड डिजिटल सिग्नेचर्स वर आल्सो एडेड। रौनक जी, अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई पोस्ट शेयर या फॉरवर्ड करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अब जब हम ऑनलाइन होते हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे या किसी भी ऐप पे, तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे अहम चीज उसमें एक है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड तौर पे उसमें शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करने की फोटोज, वीडियोज, आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, आप कब क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो आपको शेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके ये भी जो भी नेटिजन्स है, ये जो भी दोस्त है, वो आपके बारे में, आपके लाइफ में होने वाली हर चीज के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, तो आप इस बारे में थोड़ी सी सावधानियां बरतें, क्योंकि आपकी ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है
वो आपको पता नहीं है कि कौन उसका किस प्रकार से यूज कर रहा है, कौन आप पे स्टॉक कर रहा है, कौन आपके उनके क्राइम के लिए आपको यूज करने की जरिया ढूंढ रहा है या कोशिश कर रहा है, आपको कभी भी पता नहीं है और ना कभी चल पाएगा। दूसरी बात हमें जो देखनी चाहिए कि हमें कोई भी अश्लील या पोर्नोग्राफिक मटेरियल ऐसा कोई भी सर्क्यूलेट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। अगर ऐसी आपके पास कोई चीज आती है तो आप उसे सबसे पहले उसे डिलीट करें, और अगर आप ऐसे किसी ग्रुप के पार्ट हो या ऐसे किसी समूह के बीच में हो तो आप उस ग्रुप को सबसे पहले एग्जिट कीजिए, क्योंकि ये एक अपराध है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है, इसके लिए आपको किसी भी तरीके की पॉर्न आगे सर्क्यूलेट नहीं करना है। उसके बावजूद जो दूसरी चीज है कि बहुत ही बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस डिस्कशंस के लेते उनके चर्चे होते हैं, बहुत लोगों में लड़ाई झगड़े और काफी ज्यादा तौर पे मारपीट, ये भी चीजें हो रखी है। तो आपको ये सबसे पहले ऑनलाइन जब आप रहते हो फेसबुक ट्विटर पे, ये आपको सबसे पहले अवॉइड करना है। उसी के साथ साथ आपको कोई भी स्कैंडलस या फिर आपको किसी भी ऐसी तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी है जो किसी को प्रोवोक कर सके या जो किसी को इंस्टिगेट कर सके। अगर आपको देखा जाए तो ये समझ में नहीं आएगा बहुत बार कि मैं क्या किसी को मैं प्रोवोक कर रहा हूँ, किसी को मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझना है कि वाकई में आपकी भाषा वैसी है तो आप एक बार वो लिखने के बाद उसको पढ़े, उसको पढ़ने के बाद आप एक बार समझिए कि अगर जो इसको पढ़ने वाला दूसरा इंसान है, आपके सामने वाला इंसान है, वो इसको किस प्रकार लेगा, वो इसके बारे में क्या सोचेगा, इसकी उस आदमी की रिएक्शन उसके बारे में क्या होगी। तो ये चीजें जब आप आपके मन में निश्चित करेंगे कि आपको आपने जो भी पोस्ट कर रखा है वो प्रॉपर है, तभी भी वो पोस्ट आप एक बार फिर से वेरीफाई करने के बाद ही पोस्ट करें। नहीं तो ऐसे बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि प्रोवोकेशंस और इंस्टिगेशंस की वजह से बहुत सारे केसेस हो रखे हैं और जो अभी भी कोर्ट्स में पेंडिंग है, चल रहे हैं। उसके बाद में आपने कुछ भी, कोई भी न्यूज आपको मिले, कोई भी सोर्स हो, जब तक आपको उसके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सोर्स के बारे में नहीं हो, तब तक आपको ये करना नहीं है, वो फॉरवर्ड करना नहीं है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि छोटे छोटे न्यूज चैनल्स या अखबार होते हैं वो कुछ भी हेडलाइंस दे के न्यूज पोस्ट करते हैं और जो आदमी बिना पढ़े बिना देखे बिना समझे आगे फॉरवर्ड करता है। जब आप फॉरवर्ड करते हो तो उसका एक ही मतलब होता है कि यू आर सब्सक्राइबिंग टू दैट, आप उस जो भी उसमें लिखा है उससे सहमत है और आप उसके बारे में आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम उन चीजों से हो जाए तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस आप भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कोई भी फेक न्यूज, कोई भी फेक मैसेजेस, जब तक आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है आप फॉरवर्ड मत कीजिए। उन चीजों के बारे में आपको फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है जिनके बारे में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसी के साथ बहुत बार लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अन्य सब वेबसाइट्स पे, बहुत सारे ग्रुप्स के पार्ट है, ऐसे ग्रुप्स जिन ग्रुप्स में हम किसी को ना जानते हैं ना पहचानते हैं बट हम उसी के पार्ट है, तो ऐसे ग्रुप में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उधर से एग्जिट या फिर वहां से आप बाहर निकलिए और सिर्फ उन लोगों के ग्रुप्स में आप रहिए जहां पे आप उन लोगों को पर्सनली पहचानते हैं। उसके बाद में आपको प्रोवोकेशंस के बाद में समझ में आएगा कि आप अगर किसी को प्रोवोक करोगे, आपने बहुत सारे चीजें देखी भी है उसके वजह से बहुत सारे भयंकर मॉब लिंचिंग वगैरह तक के केसेस हो रखे हैं, इसलिए आप किसी को आपकी भाषा से कभी प्रोवोक या इंस्टिगेट मत करें। हमें बताइए कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर यदि किसी ने कुछ फॉरवर्ड किया तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब गूगल पे फॉरवर्ड, गूगल से लिए हुए लिंक्स या फिर कोई चीजें लोग व्हाट्सएप पे या किसी और ग्रुप्स पे शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी या उसके अगेंस्ट जो भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, साइबर क्राइम अगर कुछ हो रहा है या फिर किसी को बुलिंग हो रही है, साइबर हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, तो कौन जिम्मेदार है? तो आपको सबसे पहले एक चीज करनी, आपको वो गूगल, चाहे गूगल पे बहुत सारे चीजें हैं, सभी सही है या सभी गलत है ऐसे नहीं है, बहुत सारी चीजें सही है, बहुत सारी चीजें गलत है, इसलिए आप जब भी शेयर कर रहे हो या फॉरवर्ड कर रहे हो कुछ, आप देखो कि वो अच्छे सोर्स से आई हुई हो, मतलब अच्छे अच्छे अखबारों के, अच्छे न्यूज़पेपर्स या फिर जो भी न्यूज चैनल से, आप ट्राई करो कि आप उनके ही लिंक्स भेज रहे हो, आप बाकी किसी के छोटी छोटी चीजें जो कोई छोटी कंपनीज है जिन्होंने खोल रखी है, जिन्होंने कुछ स्कैंडलस नेचर या फिर डाउटफुल नेचर के बारे में कुछ कर रखा है पोस्ट, आप वो शेयर कर रहे हो, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इन सब चीजों को अवॉइड करें। अच्छा, अगर कोई ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करता है तो क्या एडमिन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अगर कहा जाए तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप का केस लिए तो व्हाट्सएप में अगर कोई ग्रुप पे कोई कुछ पोस्ट डाल रहा है
तो एडमिन हैज नो कंट्रोल, उसके पास ऑप्शन नहीं है कि उसको अप्रूव करना है नॉट अप्रूव करके उसको डिलीट करना है, उसके हाथ में कुछ नहीं है. ही इज जस्ट द एडमिन, ही इज द वन जिन्होंने सब ग्रुप मेंबर्स को एक साथ ला रखा है, तो उनपे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. हाँ, इस बात को लेके बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने बहुत सारे जजमेंट्स अलग अलग दे रखे हैं बहुत सारे कोर्ट्स ने, बट उसके रीजन कुछ अलग है. हर एक केस सिमिलर नहीं होता है, हर एक सेट ऑफ कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस इन ऑल द केसेस आर नॉट सेम. तो उन्होंने अपने अपने केसेस के तरीके से वो इंटरप्रिटेशन दे रखा था और वो फैसले दे रखे थे. तो आपको एक चीज समझनी है कि जब कोई एडमिन रिस्पॉन्सिबल है कंटेंट फॉरवर्डिंग के लिए या फिर उसके पास हाथ में पावर है टू डिलीट द कंटेंट इफ समबडी फाइल्स पुट्स ओनली इन दैट केस एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेज द एडमिन वुड बी एक्चुअली हेल्ड टू बी लायबल. एडमिन की जिम्मेदारी तभी होगी जब उसके हाथ में किसी पोस्ट को एक्सेप्ट करना या डिलीट करना या रिव्यू करने की पावर है. अगर वो नहीं है तो एडमिन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. रौनक जी, कॉमेडी और सटायर में भी साइबर लॉ लागू होता है क्या? यस, इफ द कंटेंट इज अवेलेबल ऑन द साइबर स्पेस, अगर वो इंटरनेट के जरिए किसी भी ऐप या किसी भी तरीके से वो अगर इंटरनेट पे है तो हाँ, साइबर लॉ उस पर एप्लीकेबल है. और उस टाइम पे आपको ये देखना है कि आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज उसमें ध्यान रखना है कि आप ये कंटेंट जब शेयर करते हो तो आप अगर इसको फॉरवर्ड करते हो या किसी चीज को आपने रिसीव किया है तो उसका मतलब ऐसी आसान तरीके से लिया जाता है कि आप उसको मानते हो. यू सब्सक्राइब टू द व्यूज और द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड इन इट, आप उससे सहमत हो और इसके लिए आप वो फॉरवर्ड कर रहे हो. तो अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन बाद में बढ़ जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो. तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि किसी ने किसी को रोस्ट किया और कल किसी ने डिफर्मेशन के लिए केस कर दी और डिफर्मेशन में आपने भी वो पोस्ट शेयर कर रखी और आपने उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि ये आदमी ऐसे ही डिजर्व करता है या उसको ऐसे ही सीख मिलनी चाहिए, तो शायद वो आपके अगेंस्ट भी केस फाइल कर दे. इसलिए आपको इन सब चीजों से बचना है और इन सब चीजों से आपको अलग रहना है. रौनक जी, इंटरनेट पर तमाम एडल्ट कंटेंट अवेलेबल है, उसको देखना या उसे पोस्ट करना भी गुनाह है क्या? पॉर्न, ऑब्सिनिटी, न्यूडिटी, ये सब चीजें एक्चुअली विविंग, अगर आप उसको देख रहे हैं तो इंडियन लॉज के मुताबिक वो इलीगल नहीं है. बट जब आप उसको पब्लिश करने की कोशिश करते हो, फॉरवर्ड करते हो या सर्कुलेट करते हो तो वो एक अपराध हो जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट एंड विच इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस. मोर ओवर, पॉर्न रिलेटिंग टू चिल्ड्रन पॉर्नोग्राफिक इमेजेस, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, दोनों के अंदर ऑफेंस बहुत सीरियस तरीके का है और इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. सो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप किसी ऐसे ग्रुप पे पार्ट हो जिसमें पॉर्न आ रहा है या ऐसा हो रहा है तो आप उसमें से सबसे पहले वो डिलीट करके आप उस ग्रुप में से एग्जिट हो जाए. हमें बताइए कि जिस डिवाइस से पोस्ट हुआ है वो किसी और का हो तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? जैसे मदर के फोन से बेटे ने पोस्ट कर दिया तो दोषी कौन है? अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है ये जानने के लिए सबसे पहले हर एक केस को अलग तरीके से देखना पड़ता है. सो आंसर इसके लिए ये होगा कि इट विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस, हर केस का अलग पहलू हो सकता है और उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है कि अगर कोई आपका डिवाइस यूज कर रहा है और कोई साइबर क्राइम कर रहा है तो आप उसमें लोकेट होंगे, बिकॉज साइबर इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी स्पेसिफिक. कौन सा इंटरनेट यूज हुआ था, कौन सा आईपी एड्रेस था, उसके बाद में डिवाइस कौन सा यूज हुआ था, उसका मैक आईडी क्या था, उसका आईएमईआई नंबर अगर मोबाइल हो तो आईएमईआई नंबर क्या था, ऐसी सब चीजों पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. तो उसके कारण जिसके डिवाइस हो उस पे ये सब चीजें इनके कॉन्सिक्वेंसेस आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है. हाँ, पर अगर आपको पता है कि उस टाइम पे ये डिवाइस इसने यूज किया था या उसने यूज किया था तो आप उस टाइम पे आपके जब केस होगा तो वो आप डिफेंस के तौर पे ले सकते हैं, बट आप पे केस होगा ही होगा. इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए जब आप किसी को आपका मोबाइल या फिर डेटा या फिर इंटरनेट या कोई डिवाइस देते हो तो आपको बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए. अच्छा, ये जो साइबर इन्वेस्टिगेशन होता है तो क्या उसमें एग्जैक्ट यूजर का पता चल पाता है? तो नहीं चलता है, क्योंकि जैसे किसी को गोली मार के अगर किसी की हत्या कर दी हो तो बैलिस्टिक रिपोर्ट बस दिखा सकता है कि ये गोली किस बंदूक से चली थी, वो राइफल थी, वो मशीन गन थी या पिस्तौल थी. वो राइफल या फिर पिस्तौल मशीन गन कौन चला रहा था उसके बारे में बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं बता सकता. वैसे ही वो डिवाइस कौन सा यूज हुआ था यही साइबर इन्वेस्टिगेटर्स बता सकते थे, वो डिवाइस किसने यूज किया था वो नहीं बता सकते. इसलिए आप हमेशा आपके डिवाइस को प्रोटेक्टेड रखें, पासवर्ड
से उसको अप्लाई कर दीजिए पासवर्ड पासवर्ड के जरिए आप, या फिर आपका स्क्रीन लॉक पैटर्न या कोई भी फेशियल रिकॉग्निशन ऐप चालू रखे सो दैट नोबडी कैन मिसयूज योर डिवाइस। मैं जानना चाहूंगी कि साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग असल में एक ऐसी चीज है जिसमें आप साइबर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट या इसमें से कोई भी चीज का यूज करके आप किसी को हैरेस कर रहे हो, आप किसी को इंटिमिडेट कर रहे हो। सो बेसिकली साइबर बुलिंग ऐसी कोई चीज है जहां पे आप इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर या इन आदि कम्युनिकेशन के माध्यमों से आप किसी को हैरेस कर रहे हो, आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, आप किसी को अनवॉरंटेड मैसेजेस भेज रहे हो जिनकी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी को चिढ़ा रहे हो, आप किसी को तंग कर रहे हो, तो इन सब चीजों को बोला जाता है साइबर बुलिंग। और साइबर बुलिंग में सबसे ज्यादा केसेस होते हैं वो उसमें महिलाओं को या फिर छोटे बच्चों को या अपने से कम स्ट्रांग लोगों को इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज के या फिर गलत कुछ कंटेंट भेज के तकलीफ देते हैं, लोग परेशान करते हैं, उन सब चीजों को हम लोग आसान भाषा में साइबर बुलिंग कहते हैं। रौनक जी, क्या आपको नहीं लगता साइबर लॉ पोस्ट करने की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लेता है? इसमें एक सबसे पहली बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी भी पूरे तरीके से नहीं था। देयर वेर सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हिच वाज सपोज्ड टू बी इम्पोज्ड। मतलब किसी ने भी कुछ भी बोलना है जो सामने वाले के अगेंस्ट, चाहे वो उसे बदनाम कर रहा हो या किसी को इंस्टिगेट कर रहा हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमेशा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपको सबसे पहले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन समझने चाहिए, उसके बाद ही मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम जब भी किसी के अगेंस्ट कुछ पोस्ट करते हैं तो वो आदमी उसको किस प्रकार से लेगा वो हमको पता नहीं होता है। सो जैसे कहा जाता है कि टेक्सटिंग इज द ब्रिलियंट वे ऑफ मिसकम्युनिकेशन, तो बहुत सारी बार मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं आपके लिखित वर्ड से, उनके वजह से आपको जब ये चीजें आप ऑनलाइन होते हो या साइबर स्पेस में कुछ लिखते हो, कुछ शेयर करते हो, कुछ वीडियो बनाते हो या कुछ कंटेंट डालते हो, तो आपको आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच समझ पाओगे। मैं उम्मीद करती हूँ रौनक जी के द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके काम आएगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे न्याय टीवी पर। नमस्कार।